गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम अंकिता और मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स का एक बेसिक चैप्टर, परसेंटेज। ठीक है, इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है? परसेंटेज दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटेज। ठीक है, या फिर बोले हिंदी में प्रति धन शत। ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? प्रति सैकड़ा या पर हंड्रेड, या फिर बोले तो आउट ऑफ 100, 100 में से। जहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें हैं उसको 100 में से बताते हैं। ठीक है, उसका जो कंपोजिशन है वो किस में से बताते हैं? 100 में से वो कितना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं परसेंटेज इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है वेयर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है, एक स्पेशल टाइप का भिन्न है, जिस जहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि हर जो नीचे का होता है, जैसे पी बटे क्यू है ना, ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 100 होता है। क्लियर, क्लियर है परसेंटेज? तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो 25 में से 20 मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है, देन फाइंड हिज फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑफ हिज मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने 20 मार्क्स स्कोर किया है 25 में से, मतलब टोटल मार्क्स क्या है यहाँ पे? 25 है, उसमें से उसने 20 स्कोर किया है। तो आपका क्या बताना है? उसके जो मार्क्स हैं उसको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, आपको आउट ऑफ 100 बताना है। तो हम लोग किस तरीके से इसको निकालते हैं? एकदम बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम लोग परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू करते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स यानी कि रेशियो ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हो क्या? प्राप्तांक बटे पूर्णांक इनटू 100। ठीक है, तो प्राप्तांक क्या है इसके? ऑप्टेन मार्क्स 20 हैं, पुट कर दो 20, एंड टोटल मार्क्स क्या है? 25, 25 इनटू 100। ठीक है, हमको बताना है 25 में से 20 मार्क्स उसने पाए हैं उसका परसेंटेज क्या होगा। तो ये हो जाएगा 25 फोर ज़ा 100, 25 चौक 100 और 20 चौक 80। इट मीन्स उस बच्चे ने ओवरऑल 80% स्कोर किया है किसमें? एग्ज़ाम में। यहाँ पे हम लोग किसमें बता रहे हैं? परसेंटेज में। आउट ऑफ 100 हम लोग उसको बता रहे हैं कि वो 80% मार्क्स स्कोर किया है। क्लियर है? नोट कर लेंगे ये। अब बात करते हैं हम लोग कन्वर्जन की। ठीक है, कन्वर्जन मतलब बदलना। क्लियर, अगर आपको कोई नंबर भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, पी बट्टे क्यू के रूप में दिया है, पी अपॉन क्यू के रूप में दिया है, तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? और प्रतिशत में दिया है तो उसको पी बाई क्यू यानी कि भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं? ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं इसको प्रतिशत
फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज या फिर भिन्न से प्रतिशत में बदलना। क्लियर? देखो, कभी भी हम लोग भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग हंड्रेड। ठीक है, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको बना सकते हैं क्या, भिन्न से प्रतिशत में। जैसे कि 3/4 आपको गिवन है, इसको इसका हम लोग को परसेंटेज वैल्यू बताना है 3/4 का, तो क्या करेंगे हम लोग, 3/4 इंटू हंड्रेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, 25 3 75%। इट मीन्स 3/4 जो फ्रैक्शन है वो 75% रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये खुद में 75% है। ठीक है, अगर इसको परसेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 75% है। क्लियर? इसी तरीके से और भी फ्रैक्शन देख लो, जैसे 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू हंड्रेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा, 50%। 100 का आधा 50% होता है, और ये क्या है, फ्रैक्शन भी आधा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, 100 से गुणा करते हैं हम लोग, या 100 का गुणा करते हैं किसमें, उस फ्रैक्शन में। ठीक है, नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रॉम परसेंट टू फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम परसेंट टू फ्रैक्शन अगर देखें तो इट इज डन बाय डिवाइडिंग 100 किसमें, परसेंट वैल्यू में। ठीक है, बाय डिवाइडिंग 100 इन परसेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर देखें, या लिख देती हूँ यहाँ पे, 100 से भाग देना है हम लोग को, एग्जांपल के लिए आपको 40% दिया हुआ है एंड बोला जा रहा है कन्वर्ट 40% इंटू फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब आपको 40% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 40% को हम लोग लिख सकते हैं 40/100। क्लियर, 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स ये क्या फ्रैक्शन फॉर्म कर रहा है, 40% 2.2/5। ठीक है, 2.5 का फ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40% को। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 50% निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 50/100, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 50 2 ज़ा 100। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग ये सब, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग टाइप वन के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे है, 20% ऑफ 800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ 800। ठीक है, मतलब आपको 800 का 20%, हिंदी में इस तरीके से लिखा रहेगा, 800 का 20% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 800 का 20%, 800 इंटू 20/100। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 160, मतलब कि 800 का 20% क्या होगा, 160 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेसिक चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं बस वो सीख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, ये है 80% ऑफ 4250। इसको भी कैसे लिखेंगे हिंदू में, हिंदी में 4250 का 80%। ठीक है, मतलब कि 4250 का 80%, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 8 × 425, 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 16, 4 20, 8 4 ज़ा 32, और 2 34। ठीक है, तो ये है
3400 जो है इसका 80% होगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, नोट कर लेंगे, फिर आगे की क्वेश्चंस देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक थैले में 400 आम में 30% आम कच्चे हैं। कितने आम में? 400 आम है टोटल एक थैले में, उसमें से 30% आम जो है कच्चे हैं। तो कच्चे आमों की संख्या बताइए, और दूसरा क्वेश्चन है पके आमों की संख्या बताइए, यानी कि आपको ओवरऑल कच्चे आम की भी संख्या बताना है और पके आम की भी संख्या बताना है। ये दोनों केसेस मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें का। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ जो मैंगो है, आम की कुल संख्या कितनी है? 400 है। 400 का 30% क्या है? कच्चा है, यानी कि कच्चे आम क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वाला देखें अगर, तो कच्चे आम क्या हो जाएंगे? 30% ऑफ 400। ठीक है, मतलब कि 400 का 30% क्या हो जाएगा? ये 4 × 12 120। 120 आम क्या है? कच्चे हैं 400 में से। अब जो बच रहे हैं वो आम क्या होंगे? पके होंगे। ठीक है, तो इन केस आपके पास अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता, इस केस में आप लोग क्या करते कि आप लोग पके आम की संख्या परसेंटेज से निकालते। ठीक है, इन केस अगर आपको कच्चे आम की संख्या भी निकालने बोल रहा है और पके आम की संख्या भी निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो देखो हम लोग को दोबारा परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे आम निकाल लिए 120, पके आम के लिए क्या कर लेंगे? पके आम के लिए कर लेंगे टोटल माइनस कच्चे आम। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 8 280। ठीक है, मतलब 280 आम पके हुए हैं। इन केस अगर ये चीज़ फाइंड आउट नहीं करने बोली होती, सिर्फ आपको दिया होता पके आमों की संख्या बताइए, यहाँ पे परसेंटेज किसका दिया है? कच्चे आम का, और फाइंड आउट करने बोलता पके आमों की संख्या, उस केस में क्या करते कि 30% जो है वो क्या है? कच्चे आम है। 30% जो है 400 के 30% कच्चे आम है, तो बचे कितने? 400 यहाँ पे अपने आप में 100% है। ठीक है, उसका 30% जो है कच्चे आम है, तो बचे 70% क्या होंगे? पके आम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे क्या? 400 का 70% 728, ये हो जाएगा 280। क्लियर? ये किस केस में करेंगे? जब ये ऑप्शन ना दिया हो, ये क्वेश्चन ना पूछा हो, दिया हुआ हो कच्चे आम की संख्या परसेंटेज में एंड पूछ ले पके आमों की संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग? 30% कच्चे आम है, तो बाकी के बच्चे क्या हो जाएंगे? पके आम, 70%। ठीक है, तो 70% ऑफ टोटल यानी कि 400 कितना हो जाएगा? 280। क्लियर? नोट कर लेंगे। अगर सिर्फ पके आम की संख्या पूछता है तो हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। पहले आप कच्चे आम का निकालोगे 30%, फिर उसको माइनस करोगे। इससे बेटर है क्या आप डायरेक्टली परसेंट में सोच लो कि 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 70। 70% ऑफ 400 इज 280। क्लियर? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक कॉलेज में 480 लड़के हैं, यदि लड़कियों का प्रतिशत 40 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे संख्या किसकी दे दी है? लड़कों की। प्रतिशत किसका दे दिया है? लड़कियों का। क्लियर? 480 लड़के हैं और प्रतिशत में लड़कियों का डेटा दिया हुआ है कि 40% लड़कियाँ हैं, और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, लड़के 480 है। ठीक है, लाइकली ये जो दिया हुआ है परसेंटेज लड़कियों का 40% है। ओवरऑल जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उस कॉलेज में, वो पूरे 100% होंगे। ठीक है, 100% में से 40 क्या है? गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे? लड़के। लड़कों का प्रतिशत क्या हो जाएगा?
60 हो जाएगा, 40 लड़कियां हैं, ऑब्वियस सी बात है बचे जो 60 हैं वो क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है। तो जो 60 है, ये जो 60% है ये किसके बराबर है, 60% भाग जो है 480 को रिप्रेजेंट करता है, तो हमको क्या बताना है, कुल, मतलब कि 100% बताना है हम लोग को। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% इज इक्विवेलेंट टू 480 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। देखो 60 उधर डिवाइड में गया एंड 100 हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, क्लियर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 8 ज़ा और 8 इंटू 100 800, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुल विद्यार्थी कितने हैं इस कॉलेज में, 800, क्लियर। इस तरीके से डाटा हम लोग को अगर अपोजिट दिया हुआ हो, लड़कों की संख्या लड़कियों का प्रतिशत, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो टोटल 100, 100 माइनस 40, 60% हो गया लड़कों का, एंड 60% जो है वो है रिप्रेजेंट कर रहा है उसको 480, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 800 को, क्लियर, नोट कर लो। अब आ जाते हैं टाइप टू में, जिसमें हम लोग थोड़े से आगे के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट देख रहे थे कि इस नंबर का इतना परसेंट कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 120 400 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, मतलब कि ये नंबर इस नंबर का कितना प्रतिशत है या इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। हम लोग को किससे देखना है, 400 से कंपैरिजन हो रहा है, किससे, 400 से ही कंपेयर करके बताना है कि कितना प्रतिशत है ये उसका। तो इस केस में क्या होता है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए का कंपैरिजन मेरे को बी से बताना है, तो ए अपॉन बी इंटू 100 सिंपली, ठीक है। मेरे को बताना क्या है, 120 400 का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 120, जिसको कंपेयर करना है, जिससे करना है वो नीचे आता है हमेशा, इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 4 3 12 30%, क्लियर। मतलब कि 120 400 का कितना प्रतिशत है, 30% है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा के दे दे कि किस संख्या, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, किस संख्या का 20% 180 है, ठीक है। अभी क्या था, 120 400 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा था। अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा है कि कौन से नंबर का 20% 180 है, कौन से नंबर का 20% क्या है, 180 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं एक्स प्रतिशत है, सॉरी एक्स है संख्या जो जिसका 20% कौन है, 180, ठीक है। तो एक्स इंटू 20% यानी 20/100 इज इक्वल टू 180, क्लियर। मान लेते हैं ये संख्या एक्स है, तो एक्स का 20% कौन है, 180, तो एक्स का 20% बराबर 180, ठीक है। ये तो बेसिक है, अगर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली एक्स इज इक्वल टू 180 जो हम लोग यहाँ पे 20/100 करते थे, इंटू 100/20 रेसिप्रोकल कर देंगे, क्लियर। ये ना लिख के हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए क्या, किस संख्या का 20% 180 है पूछे, तब हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आ रहा है, मतलब जो नंबर आ रहा है 20% होके, उसको इंटू 100/20 करना है, रेसिप्रोकल करना है, जो कि हम लोग यहाँ के 20/100 करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा 29 ज़ा, तो क्या हो जाएगा ये 900, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 900 हो जाएगी, क्लियर, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे ए बी का 50% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, मतलब ए बी का 50% है, तो हम लोगों को उल्टा रिलेशन बताना है कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो इस केस में क्या करना, जब भी कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन इस टाइप से रहे, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ना तो ए की वैल्यू गिवन है ना ही बी की वैल्यू गिवन है, तो इस केस में क्या करोगे, बी को सीधे 100 मान लो, अगर बी 100 है
तो ए उसका 50% से 50% है, यानी कि उसका आधा है, 50 हो जाएगा, 100 का 50% 50 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, अब हम लोग को बी का कंपैरिजन ए से करना है, ठीक है। वैसे तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए बी का 50% से परसेंट है, यानी कि बी का आधा कौन है, ए है, इट मीन्स ए का डबल होगा बी, ठीक है। ए बी का 50% यानी कि आधा है, तो बी उसका कितना प्रतिशत होगा, डबल होगा उसका, देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी बाय ए इंटू 100, यहाँ पे हम लोग को बी को बताना है बी कितना प्रतिशत है किसका, ए का, ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ए का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, इसलिए ए नीचे लिखे हैं बी ऊपर लिखे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 100 बाय 50 इंटू 100, ठीक है। 50 टू 100, 50 दूनी 100 होता है, ये हो जाएगा 200%, ठीक है। बी जो है ए का डबल होगा, ए अपने आप में 100% है और बी उसका क्या होगा, डबल होगा, तो 200% हो जाएगा। अगर ए है 10 तो बी क्या हो जाएगा, उसका डबल 20, ठीक है। मतलब ये 100% खुद और प्लस 100% यानी कि ट्वाइस 20 हो जाएगा, ये क्लियर नोट कर लेंगे। टाइप 3 पे आते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे, वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्न पे। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए बी का 40% है, ए जो है बी का 40% है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा, मतलब कितनी कमी होगी उसमें ए बी के कंपैरिजन में, ठीक है। ए बी का क्या है, 40% है, देन ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पे भी ए और बी गिवन नहीं है, सिंपली हम लोग परसेंटेज को या फिर बी को 100 मान के ये चीज़ कर सकते हैं। बी अगर 100 है तो ए उसका 40% है, इट मीन्स ए क्या हो जाएगा, 40, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो हम लोग को बताना क्या है, ए बी से कितना कम है, और ये कमी कहाँ से पता चलेगी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब, बी माइनस ए करेंगे तभी पता चलेगा, और कंपैरिजन किससे करना है, बी से, क्लियर लिखा है यहाँ पे, बी से क्या कंपैरिजन करना है, कितना कम है, इसलिए बी माइनस ए से पता चलेगा यहाँ पे डिफरेंस कितना कम है वो, इंटू 100, ठीक है। बी अगर 100 है, बी अगर 100 है, तो ए क्या हो जाएगा, ए उसका 40% है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 100 माइनस 40 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, क्लियर है ये। बी 100 है तो ए हो जाएगा उसका 40% यानी कि 40, और बी बी से कमी कितनी हो जाएगी उसकी, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 60%, क्लियर। और ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके बता सकते थे कि ए बी का 40% है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दोगे इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे बी का 40% है, ना कि बी का बी से 40% अधिक या कम, इस टाइप का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ क्या बोल रहा है, बी का 40% है। अब बी का 40% है यानी कि बी जो भी होगा, 100 है अगर बी, तो ये 40 होगा, इट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60% का, यानी कि ए 60% कम होगा बी से, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में बोला था ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने बता दिया था ए बी से 60% कम है। अगर यही क्वेश्चन पूछे बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, बी ए से अधिक तो है लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी माइनस ए डिफरेंस इन लोग का अपॉन में किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए से, तो अपॉन में ए इंटू 100, ठीक है। बी अगर 100 है तो ए हो जाएगा 40 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा 60 बाय 40 इंटू 100, ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो 150% कम है कौन, अधिक है कौन, बी ए से,
बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? 150% अधिक है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है इसका, एक गांव की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। देखो पहले कितनी थी? 60,000 थी, देन क्या हो गई? 65,000। मतलब एक्स से जब वाई हो जाता है, वृद्धि हो रहा है जब, ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को क्या बताना है? वृद्धि दर, क्योंकि वृद्धि हो रही है और यहाँ पे वृद्धि दर पूछा गया है। तो इस केस में क्या करेंगे? सेम जैसे हमने किया था, मान लो अगर ये ए है ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि ये इनिशियली जो था वो है, बोल सकते हैं इंक्रीज रेट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू, सॉरी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, क्योंकि रेट बताना है, दर बतानी है, ठीक है, परसेंटेज में हम लोग को बताना है। फाइनल वैल्यू का मतलब जो चेंज होने के बाद हो रहा है, इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक जो है, मतलब वो पहले जो था, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही बी माइनस ए बोल सकते हो, या फिर अगर ए और बी मान लो, तो बी माइनस ए से बी हो जा रहा है, तो बी माइनस ए अपॉन किससे पता करना है हम लोग को? जनसंख्या वृद्धि दर बोल रहा है, तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि दर बताना है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग पिछले वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। पिछले से कंपेयर करेंगे बोलने का मतलब पहले जितना था उसके कंपेरिजन में अभी कितना बढ़ रहा है, तो बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे दिख रहा है 5,000 है, पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को। 65,000 माइनस 60,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, क्लियर? क्या बचेगा ऊपर? 5,000 इंटू 100 अपॉन 6,000, 60,000, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 50 अपॉन 6, 6 से इसको कट करोगे तो ये कुछ डायरेक्टली कट नहीं होगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 6, 8 ज़ा 48, 2 बाई 6, या फिर एक बार इसको और कट कर दो, 2, 3 ज़ा 225 ज़ा, तो ये आ गया 25/3, और ये हो जाएगा 3, 8 ज़ा 24, एक बचा, मतलब 8 से ही 1/3% का वृद्धि हो रहा है किसमें? पहले से अभी में, ठीक है, 60,000 से 65,000 हो रहा है, तो कितने रेट से बढ़ रहा है वो? 8 से ही 1/3, ठीक है, या फिर इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये है इसका ग्रोथ रेट, इंक्रीज रेट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को 41% मत मिलते हैं और वह 2,412 मतों से हार जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? ठीक है, दो प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी का यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको 41% मत मिलते हैं और कितने प्रतिशत से वो हार गया है ये भी दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, एक को मिला है 41%, दूसरे को कितना मिलेगा? जो विजयी होगा उसको, विजयी प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मिलेगा? अगर हारने वाले को 41% मिल रहा है तो विजयी को 59% मिल रहा होगा, क्योंकि जो टोटल मत है, मतों की संख्या है, वो अपने आप में क्या है? 100% है, उसका 41% हारने वाले को मिल रहा है, तो जो बचा है वो ऑब्वियसली जो जीता है उसको मिला होगा 59%। और बोल रहा है क्या, जो 41% मत से मत मिले हैं जिसे, वो 2,412 मत से हार जाता है। इट मीन्स इसको 2,412 मत ज़्यादा मिले होंगे और तभी बोल रहा है कि ये 2,412 मतों से हार चुके हैं, ठीक है। इट मीन्स इन दोनों में, इन दोनों के जो मतों का डिफरेंस है
है ना, इन दोनों में जो मतों का जो डिफरेंस है, दोनों को जो मत मिल रहे हैं उनका डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 2412। और परसेंटेज में अगर हम लोग देखें डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1, ठीक है, 18% का डिफरेंस होगा। यही 18% डिफरेंस क्या है, 2412 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 18% इसको कम मिले हैं, वही रिप्रेजेंट करता है, 2000 नंबर में अगर देखें तो 2412 को ये रिप्रेजेंट करता है। और हम लोगों को क्या चाहिए, कुल मत। इट मीन्स जब 18% 2412 होगा तो 100% क्या हो जाएगा, 100% इज इक्वेलेंट टू 2412 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, ठीक है। तो कट जाएगा 18 वन ज़ा, फिर हो जाएगा 18 3 ज़ा 54, 18 7 ज़ा सॉरी 4 ज़ा 72, ठीक है। ये हो जाएगा 134, और 134 इंटू 100 13400, ठीक है, मतलब 13400 कुल मत होंगे। कुल मतों की संख्या ही कितने, 13400, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इससे डिफरेंस मतलब कितना कम है, ये कमी को यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, टोटल जो वोट्स डाले गए हैं उनकी संख्या, क्लियर, नोट कर लेंगे। ये चुनाव से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं आप लोग के सिलेबस में, ये मैं जब इसका एप्लीकेशन बताऊंगी परसेंटेज का तब मैं वो क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करते हैं इस लेवल को, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 50 कम है यदि लड़कियों की संख्या कुल संख्या का 60% है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा फिगर में नहीं दिया है कि लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो खैर हम लोग को निकालना है यहाँ पे, क्लियर। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ये दे दी है कि लड़कियाँ जो है, लड़कियों की जो संख्या है वो टोटल का 60% है, ठीक है। तो अगर मैं लिख लूँ गर्ल्स 60% है, तो बॉयज़ कितने होंगे, 40% होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 100% है, उसमें का 60% गर्ल्स है, तो बचे के 40% जो होंगे कौन होंगे, बॉयज होंगे, लड़के होंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, लड़कों की संख्या लड़कियों से 50 कम है, इट मीन्स इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो किसका है, 50 का है। और परसेंटेज वाइज देखें तो कितने का डिफरेंस है, 60 माइनस 40 20 का डिफरेंस है। इट मीन्स 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को, और हम लोग को क्या चाहिए, 100% चाहिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। तो 100% क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 20, ये 20 इधर डिवाइड में चला गया और 100 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 100 25 20 25 100, और ये हो जाएगा 5 25 250, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने रहे होंगे, 250 रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग को डिफरेंस देखकर कंपेयर करके 100% कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब फिगर्स हम लोग को ना गिवन हो, कम कमी या वृद्धि दे दी हो, और किसी एक चीज़ का परसेंटेज दे दिया हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की, ये भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ही बेस्ड है, ठीक है। बस इसमें क्या है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों एक साथ देखना है, मोर देन एंड लेस देन दोनों के केसेस साथ साथ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग इसका, टाइप 4 का। इफ ए इज x% मोर देन बी, देन बी इज what% लेस देन ए, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बी से x% अधिक है, ठीक है, एक्स कोई नंबर होगा, एक्स परसेंट मोर देन बी, अगर ए बी से एक्स प्रतिशत अधिक है तो बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन ए और बी के बीच का ही है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ए जिस प्रतिशत में अधिक है, जितना प्रतिशत उसका फ्रैक्शन, ठीक है, उसका फ्रैक्शन, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया है मैंने,
ये यहाँ पे n जो है न्यूमरेटर है और d जो है डिनोमिनेटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस पैटर्न को हम लोग, इस ट्रिक को इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो यहाँ पे a इज 80% मोर देन b, देन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, ठीक है। 80% जो है ना वो यहाँ पे x परसेंट जो है वही 80% है, ठीक है। तो 80% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखना सीखे थे। कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। और ये फ्रैक्शन में बन जाएगा 2 4 2 5, इट मीन्स 4/5, यही है एन बाय डी। क्लियर? ये एन है न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी कि जो भी परसेंटेज गिवन है आप लोग को, जितना परसेंटेज अधिक है उसका हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। देन हम लोग को देखना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो है अधिक है किससे? बी से। तो हम लोग को बताना है बी ए से कितना कम होगा, ठीक है। 4/5 ये अधिक है ए बी से, देन बी ए से कितना कम होगा? 4/5 + 4, यानी कि 4/9। ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसमें हम लोग 100 डिवाइड किए थे, हाँ डिवाइड किए थे ना, ठीक है। हम लोग उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या किए थे? 100 डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे हम लोग को बताना किसमें है? परसेंटेज में बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे into 100 का। क्लियर? तो ये हो जाएगा 400/9, 9 6 9 4 36, 44.44 समथिंग ये परसेंटेज आएगा, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे, 400/9 को और कैलकुलेट करेंगे तो 9 4 36, 9 4 36, ये इस तरीके से आ जाएगा 44 4/9। फ्रैक्शन में अगर लिखे तो इस तरीके से, और डेसिमल में लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग को करना क्या है, सिंपली जो परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एन बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये इतना बढ़ रहा है यानी कि अधिक है किससे? बी से। देन हमको कमी निकालनी है कि बी ए से कितना परसेंट लेस देन है, ठीक है। बी ए से कितना परसेंट लेस देन है, तो इतने प्रतिशत वो बी जो है ए से क्या होगा? कम होगा। क्लियर? नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकंड वाला। इफ ए इज एक्स परसेंट लेस देन बी, जस्ट उल्टा है, यहाँ पे ए जो है बी से एक्स प्रतिशत अधिक था तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा पूछा था। यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ रहा है, ए बी से एक्स प्रतिशत कम है, देन बी जो होगा ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्लियर? सिमिलर कंसेप्ट है, बस यहाँ पे क्या होगा, एन बाई डी क्या हो रहा है? लेस देन है। ये जो डाउनवर्ड्स एरो बता रहा है ये लेस देन का सिंबल बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग एन बाय डी माइनस एन ज्यादा होगा बी ए से, ठीक है। क्लियर? डी को हमेशा सामने रखेंगे क्योंकि इसी सीक्वेंस में वो सब्ट्रैक्ट भी होगा, इसलिए एडिशन में तो कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन डिफरेंस में मैटर करता है। नेगेटिव आ जाएगा अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो, ठीक है। तो एडिशन को भी इसी सीक्वेंस में रखना और सब्ट्रैक्शन को भी। क्लियर? क्या कर लेंगे, एन बाई डी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इज 40% लेस देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, ठीक है। यदि ए जो है बी से 40% छोटा है, कम है, ठीक है, ए जो है बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? एन बाई डी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 40/100, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये हो गया 2/5। कितना है ये? लेस देन है, तो हम लोग को मोर देन बताना है, बी कितना ज़्यादा है, 2/5 - 2, ठीक है। एन अपॉन डी माइनस एन क्या हो जाएगा? 2/3।
ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में बताना है, इट मीन्स इंटू 100 कर दूँ अगर मैं तो हो जाएगा 200 अपॉन 3, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है, और ये बचेगा 2/3, फ्रैक्शन में बोले तो 66 2/3 या फिर 66.66% आएगा, मतलब कि बी जो है ए से इतना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है, क्लियर, नोट कर लेंगे ये पूरा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे, इनकम ऑफ सीता इज 10% लेस देन गीता, देन इनकम ऑफ गीता इज व्हाट परसेंट मोर देन सीता, ठीक है, वही चीज है, सीता की आय गीता से 10% कम है तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता की आय गीता से 10% कम है, ठीक है, n by d फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कम है तो इसको बताना है हम लोग को अधिक कितनी होगी, ये क्या हो जाएगा d माइनस n, कितना अधिक होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है, तो n by d में पहले 10% को कन्वर्ट कर लेते, क्या हो जाएगा 10/100, इट मीन्स 1/10, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/10 - 1 मीन्स 1/9, और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ तो 1/9 इंटू 100 मीन्स 9 1 9 9 1 9 1/9%, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 11.11% या 1/9%, ठीक है, इतने प्रतिशत वो क्या होगी अधिक होगी उसकी इनकम, किसकी, गीता की इनकम सीता से, तो इस तरीके से हम लोग को लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस इस ट्रिक से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोग को ये चीज़ याद होनी चाहिए, कोई एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे दूसरा कंडीशन आप लोग को ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगा, ठीक है, क्लियर, नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और भी इसके टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास।